हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC ई पाठशाला में। आज का टॉपिक चालू करने से पहले, जो हमारा पिछला वीडियो था छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हमने अगस्त माह करंट अफेयर डाला था, उस पर काफ़ी आप लोगों के कमेंट आए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि वीडियो में जो आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जो वो वीडियो था वो लगभग आपका 37 मिनट का वीडियो था। यदि मैं उसी लेक्चर को थोड़ा स्लो करके बताऊँगा तो वो वीडियो हो सकता है 50 से 55 मिनट या एक घंटे का बन जाए, और जनरली लोग इतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि लेक्चर जो था वो थोड़ा फास्ट था, लेकिन शुरू के केवल 3 से 4 मिनट ही वो मैंने चीज़ें फास्ट बताई। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी थी उसी टाइम लिमिट में, लगभग 30 मिनट के अंदर। उसमें मेरे को बताना था स्पेशली आपको योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री योजना, सहज बिजली बिल योजना, उसके अलावा नाबार्ड का रिपोर्ट बताना था मेरे को, रैंकिंग बतानी थी। यदि आपने वो लेक्चर पूरा देखा होगा तो शुरू में केवल आपका जो चर्चित स्थलों में आपको जानना क्या था, वो जगह कहाँ पर है और किस लिए फेमस है, बाकी उसके बारे में आपको स्टोरी सुनना था। इसके अलावा जो योजनाएं थी, अगर आप पूरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें जो स्पेशली योजना वाले टॉपिक पे, नाबार्ड वाले टॉपिक पे मैंने ज़्यादा समय दे करके एक एवरेज स्पीड पे मैंने चीज़ें कवर करी है। तो देखिए, अब मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि मुझे उस टाइम लिमिट के अंदर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी होती है, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। जनरली मेरे सारे लेक्चर इतने फास्ट होते नहीं हैं, आप मेरे बहुत से लेक्चर देखे होंगे जिसे मैंने एक लिमिटेड स्पीड या एक एवरेज स्पीड मैंने चीज़ें आपको बताई है। लेकिन जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है, जैसे करंट अफेयर के आप जितने भी मेरे वीडियो देखेंगे आपको लगभग वही स्पीड दिखेगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड को मैं 3 सेक्शन में बांट करके काफ़ी चीज़ें कवर कराने का कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, थोड़ा इस चीज़ों को मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो चलिए, आज का हम टॉपिक चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, जिसमें हम कवर करेंगे आपका अध्याय 5 लोक वित्त। लोक वित्त के अंतर्गत हम बजट 2017-18 के आंकड़ों को देखेंगे। देखिए, अभी जो बजट पेश हुआ है 10 फरवरी 2018 को, वो बजट है आपका बजट 2018-19, लेकिन हम चर्चा करने वाले हैं बजट 2017-18 के आंकड़ों पर। ठीक, तो इस आंकड़े में हम जो पिछला वित्तीय वर्ष है आपका 2017-18, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे डिटेल में। देखिए, ये बजट होता क्या है? बजट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। बजट में हम दो चीज़ें देखते हैं, आय और व्यय। देखिए, इसे आय भी बोलते हैं और प्राप्तियां भी बोलते हैं। आप जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में जो दिए गए हैं उसमें हर जगह आपको प्राप्तियां सुनने मिलेगी, जैसे राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, आपको ये प्राप्तियां टर्म्स ज़्यादा दिखेंगे। तो मैंने उसे यहाँ पे आय करके लिखा है, तो उसे समझ जाइएगा, बजट आय और व्यय का लेखा जोखा। आय दो प्रकार के, राजस्व आय, पूंजीगत आय, वैसे ही व्यय दो प्रकार के, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। देखिए, इस टॉपिक जो है आपका लोक वित्त, इसमें बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट बस उसमें दिए हुए थे और आंकड़े दिए हुए हैं। लेकिन इस आंकड़ों को बताने से पहले जो इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसे आप समझ लीजिए। यदि आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि ये राजस्व आय होता क्या है, पूंजीगत आय होता क्या है, तो आपको उस चीज़ों को पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। क्या है, केवल आप यदि आंकड़े ही याद करते रहेंगे तो आपको चीज़ें दिमाग से भूलती जाएगी, लेकिन यदि आप समझ जाएंगे कि ये राजस्व प्राप्तियां क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, राजस्व व्यय क्या है, तो आपको उस चीज़ों को पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। इनकी परिभाषाओं में मैं 3 टर्मिनोलॉजी को यूज़ करूँगा। देखिए, एक रहेगा आपका वित्तीय देनदारियाँ या वित्तीय दायित्व, दूसरा परिसंपत्तियाँ, और तीसरा उत्पादन कोटि की परिसंपत्तियाँ। देखिए, पहला है आपका देनदारियाँ, मतलब यदि आप किसी से पैसा लेते हैं तो उसे आपको वापस भी करना होता है, ये होता है आपकी देनदारी, मींस लाइबिलिटीज़। दूसरा होता है आपकी परिसंपत्तियाँ, या फिर आप इसे संपत्ति करके समझिए, ये होता है आपके एसेट्स, मतलब जो संपत्ति आपके पास स्वयं के पास है। और तीसरा है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति मतलब आपके संपत्ति में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है और उससे आपको कुछ इनकम हो रहा है। आपकी संपत्ति से यदि आपको इनकम भी हो रहा है तो वो होती है आपकी उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। तो ये डेफिनेशन में ये 3 टर्म यूज़ करूँगा। तो देखिए, पहले नंबर पर है राजस्व आय, ऐसा सार्वजनिक आय जिससे न तो वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और न ही परिसंपत्तियों में कमी होती है। ऐसी सार्वजनिक आय जिससे सरकार की न तो वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और न ही परिसंपत्तियों में कमी होती है, राजस्व आय कहलाता है।
पूंजीगत आय ऐसी सार्वजनिक आय जिससे सरकार की वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और परिसंपत्तियों में कमी होती है। इसमें वित्तीय देनदारी और परिसंपत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पूंजीगत आय में वित्तीय देनदारियों में वृद्धि भी होती है और परिसंपत्तियों में कमी भी आती है। अब इसे एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप घर पर बैठे हैं, आपके घर पर कोई मेहमान आए, कुछ देर बैठे और जाते समय उन्होंने आपको कुछ पैसा दे के गए। उन्होंने जो आपको पैसा दिया उसके लिए वो आपसे किसी भी प्रकार के उसके एवज में आपसे कुछ ही ले नहीं रहे हैं। आपको जो उन्होंने पैसा दिया वो हुई आपकी आय, उसके एवज में आपको उन्हें कुछ लौटाना है क्या? नहीं। मीन्स आपके देनदारियों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। परिसंपत्ति, उसके बदले में आप उनके उन्हें कुछ देंगे कि अपनी संपत्ति से कुछ चीज़ देंगे? नहीं देंगे। तो ये मेहमान आपके यहाँ आए, आपको पैसा दिए, वो आपकी आय हुई, उसके एवज में आपने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। मीन्स आपको फ्री में आपकी इनकम हो गई, ये है राजस्व आय। तो देखिए, राजस्व आय के अंदर आए उन लोग, आपको पैसे दिए, आपकी इनकम हुई, उसके एवज में आपको उन्हें किसी भी प्रकार का ना ही संपत्ति अदा करना है और ना ही किसी प्रकार की उनसे देनदारी रखनी है। ये हुई आपकी राजस्व आय। पूंजीगत आय, पूंजीगत आय को समझिए ये होता क्या है। मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदना है जिसकी कीमत है 1000 रुपये, लेकिन आपके पास है 100 रुपये। अब आप अपने दोस्त के पास जाओगे और बोलोगे कि मुझे 500 रुपये उधारी दे दे, मैं कुछ समय बाद तेरे को इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। तो वो आपको 500 रुपये दे दिया, तो आपकी जेब में अब आ गए 1000 रुपये। भले वो 500 रुपये किसी और के हैं, लेकिन आपके पास है अभी 1000 रुपये। तो ये है, ये काउंट होगी आपकी आय में। अभी आपके पास वर्तमान में 1000 रुपये, उस पैसे को आप अपने सामान खरीदने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये है आपकी पूंजीगत आय। इस पूंजीगत आय से देनदारियों में वृद्धि होती है और परिसंपत्तियों में कमी होती है। देनदारियों में वृद्धि मतलब आपको ये पैसे लौटाने पड़ेंगे, परिसंपत्तियों में कमी ब्याज के साथ लौटाने पड़ेंगे। तो ये होती है आपकी पूंजीगत आय। अब इसे हम छत्तीसगढ़ सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न जगहों पे कर लगाती है, टैक्स लगाती है, जैसे इनकम टैक्स, आपका निगम कर, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, सीमा शुल्क, ऐसे अलग अलग टैक्स लगाती है। उस टैक्स को जब छत्तीसगढ़ सरकार लगाती है तो उसे किसी भी प्रकार की देनदारी करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसे अपनी परिसंपत्ति में से कुछ चीज़ देने की आवश्यकता है। सरकार ने टैक्स लगा दिया, हमें टैक्स भरना है, इससे सरकार को हो रही है आय। तो ये काउंट होता है आपका राजस्व आय के अंतर्गत। अब पूंजीगत आय, छत्तीसगढ़ सरकार कोई योजना लागू करने वाली है, उस योजना लागू करने के लिए उसे कुछ ऋण की आवश्यकता है। उसने ऋण ले लिया केंद्र सरकार से या फिर अपना आरबीआई से, आरबीआई से ऋण ले करके वो योजना में लगा रही है। तो ये काउंट होगा आपके आय में, सार्वजनिक आय में ये काउंट होगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार इसे अपने उपयोग में कर रही है, मीन्स सार्वजनिक कार्यों में इसे खर्चा कर रही है। ये हमारे खर्चे के लिए ही काउंट होता है, इसीलिए पूंजीगत आय में जो छत्तीसगढ़ सरकार जो केंद्र सरकार से और आरबीआई से ऋण लेती है उसे भी सार्वजनिक आय के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका राजस्व व्यय, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिनसे किसी भी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय कहलाता है। ऐसा सार्वजनिक व्यय जिससे किसी भी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय कहलाता है। पूंजीगत व्यय, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिससे उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का निर्माण होता है, पूंजीगत व्यय कहलाता है। अब इसे एग्जांपल समझिए। मान लीजिए मेरे पास कहीं से आ गए 10 लाख रुपए, उस 10 लाख रुपए को मैं दो तरीके से खर्च कर सकता हूँ। एक, स्वयं के ऊपर यानी स्वयं के उपभोग में, मैं खाने पीने में खर्च करूँगा, सिनेमा देखने में खर्च करूँगा, अपने लिए लग्जरी आइटम लूँगा, कार लूँगा, बाइक लूँगा, एसी लूँगा, इसके अलावा कहीं घूमने जाऊँगा। तो ये है आपकी उपभोग में खर्च। ये जो पैसे खर्च होंगे ये पैसे हमें वापस आने वाले नहीं हैं। हमने एक बार ये पैसा खर्च कर दिया, ये पैसा हमारे पास वापस आएगा नहीं। इससे किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण हो रहा है, किसी भी प्रकार के एसेट्स का निर्माण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये है आपका राजस्व व्यय जो बेसिक उपभोग में खर्चे होते हैं। अब देखिए पूंजीगत व्यय, हमारे पास 10 लाख रुपए है, मैंने उस 10 लाख में से 5 लाख की जमीन खरीद ली, तो वो जमीन खरीदी तो वो क्या हुआ? पूंजीगत सृजन। और वो जमीन खरीद के मैंने उसके ऊपर एक मकान तान दिया और उस मकान को मैंने किराए पे दे दिया। तो देखिए,
परिसंपत्ति का सृजन हुआ और किस प्रकार की परिसंपत्ति, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। मैंने जमीन लिया, जमीन पर मकान बनाया और मकान से मेरे को हर महीने इनकम हो रहा है। कल के डेट में मैं चाहूँ तो वो फिर से वो बने बुनाए मकान को और उस जमीन को बेचूंगा तो मेरे को उससे ज़्यादा कीमत मिलेगा। तो ये होता है राजस्व व्यय, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिससे किसी भी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय कहलाता है। यानी बेसिक टर्म में स्वयं के उपभोग में यूज कर रहे हैं। पूंजीगत व्यय, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिससे उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है उसे कहा जाता है पूंजीगत व्यय। जैसे हमने मकान खरीदा, मकान के ऊपर बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग को किराए पे दे दिए, उससे हमको हर महीने इनकम हो रहा है, ये है आपका पूंजीगत व्यय। ठीक, अब देखिए, अब हम इसे छत्तीसगढ़ सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार बहुत सारी योजनाएं लागू करती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना जो अभी हाल ही में लागू हुआ, ये अलग अलग पेंशन योजना छत्तीसगढ़ सरकार लागू कर रही है। तो इस योजना में हितग्राहियों को कुछ ना कुछ पैसा दे रही है। जब ये छत्तीसगढ़ सरकार हितग्राहियों को पैसा दे रही है तो उस पैसे के एवज में छत्तीसगढ़ सरकार को कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। किसी प्रकार की परिसंपत्ति का सृजन हुआ? नहीं हुआ। जो पेंशन में छत्तीसगढ़ सरकार हितग्राहियों को पैसा दे रही है या जो पैसे का वितरण छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, वो पैसा लौट के वापस नहीं आने वाला। तो ये काउंट होंगे आपके राजस्व व्यय के अंतर्गत। पूंजीगत व्यय, छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसा है, उसने उससे बना दिया मंडवा ताप विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा में, मंडवा ताप विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा में उसे बना दिया, तो ये क्या हुआ? परिसंपत्ति का सृजन। अब उससे बिजली का उत्पादन हो रहा है जो स्वयं के उपयोग के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार यूज़ कर रही है, इसके साथ साथ अन्य राज्यों को बिजली बेच भी रही है। तो ये हुआ उत्पादन कोटि का परिसंपत्ति, यानी इससे हमें कुछ आय का अर्जन भी हो रहा है। तो ये होता है आपका राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक, तो देखिए, राजस्व आय पूंजीगत आय, राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय। अब देखिए, ये जो राजस्व आय है ये फिर से दो भाग में डिवाइड होता है, कर राजस्व और दूसरा है आपका गैर कर राजस्व। कर राजस्व यानी छत्तीसगढ़ सरकार जिस जो आय कर के माध्यम से वसूलती है, जो भी आय छत्तीसगढ़ सरकार कर के माध्यम से वसूलती है या जो भी प्राप्तियां छत्तीसगढ़ सरकार को कर के माध्यम से होती है, वो कर राजस्व के अंतर्गत काउंट होते हैं। गैर कर राजस्व, कर के अलावा अन्य माध्यम से जो सरकार को आय होती है या जो सरकार को प्राप्तियां होती है, वो काउंट होती है आपकी गैर कर राजस्व के अंतर्गत। ठीक, देखिए, इसके अंतर्गत आपका आता है निगम कर मीन्स कॉरपोरेशन टैक्स, इसके अलावा आयकर, इनकम टैक्स, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क मीन्स सर्विस टैक्स, भू राजस्व कर, बिक्री कर, वैट, चुंगी कर, विद्युत कर, ऐसे अलग अलग कर इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इन कर के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को कुछ ना कुछ इनकम होती है या प्राप्तियाँ होती है। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको इसका एक ओवरव्यू बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें पढ़ने में आसानी हो, वरना ये जो कर राजस्व है ये आगे और दो भाग में बढ़ता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर, राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर, फिर वो दो भाग में बटेगा, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। हम उतना डीप लेवल पर नहीं जाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये है आपका निगम कर, आय कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क, ये जो शुरू के पांच टैक्स है ये लगाती केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर है, जिसे लगाती तो केंद्र सरकार है लेकिन वसूलती राज्य सरकार है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का कुछ हिस्सा होता है, जैसे केंद्र सरकार का लगभग 55% हिस्सा होता है और राज्य सरकार का 45% के आसपास इस टैक्स में हिस्सा होता है। तो ये निगम कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क, ये लगाती केंद्र सरकार है, वसूलती राज्य सरकार है। वैसे ही भू राजस्व कर, बिक्री कर, चुंगी कर, विद्युत कर और भी कई कर है जिसे छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं लगाती है और वसूलती भी स्वयं है। तो ये है आपका कर राजस्व। गैर कर राजस्व, ऐसे कर, ऐसा इनकम या ऐसी आय या प्राप्तियां जो कर के अलावा सरकार को प्राप्त होती है, जैसे निवेश से प्राप्त लाभांश। निवेश मतलब जैसे मैंने आपको बताया मंडवा ताप विद्युत संयंत्र के ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार ने निवेश किया, अब उससे बिजली बेच करके छत्तीसगढ़ सरकार को जो लाभ अर्जन हो रहा है वो गैर कर राजस्व है। परिसंपत्ति का सृजन कर दिए हम किसके अंतर्गत? पूंजीगत व्यय के अंतर्गत परिसंपत्ति का सृजन कर लिए, एक बार बना दिए, खत्म हो गया, एक बार व्यय किए, पूंजीगत व्यय कर दिए एक बार, लेकिन अब उससे हर बार जो हमको उससे लाभ होगा वो काउंट होगा इसके अंतर्गत।
निवेश से प्राप्त लाभांश, ब्याज प्राप्तियां, छत्तीसगढ़ सरकार जो ऋण का वितरण करती है उस ऋण से जो ब्याज प्राप्तियां होती है वो काउंट होता है आपको गैर कर राजस्व के अंतर्गत। अनुदान, जैसे विश्व बैंक हमें अनुदान देता है, IMF अनुदान देता है, ऋण की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुदान, अनुदान जो पैसा हमें मिलता है और हमें लौटाना ना पड़े वो होता है अनुदान। ऋण जो पैसा हमें मिलता है लेकिन उसे लौटाना भी है और साथ ही साथ ब्याज भी देना पड़ता है उसे कहा जाता है ऋण। तो याद रखिएगा, अनुदान विदेशों से भी मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी मिलता है और केंद्र सरकार से भी अनुदान प्राप्त होता है। तो ये है आपका बेसिक चीज़ें। वैसे ही पूंजीगत आय, पूंजीगत आय से जैसे ऋण, केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार कोई योजना चला रही है तो RBI से ऋण ले लेती है, केंद्र सरकार से ऋण लेती है। तो ये आपका कर राजस्व, गैर कर राजस्व और पूंजीगत आय, ये सारे चीज़ें आती है आपकी सार्वजनिक आय के अंतर्गत। देखिए, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आया है उस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में बेसिक हाईलाइट में है आपका राजस्व आय, कर राजस्व, राजस्व व्यय, बस इतनी ही चीज़ें हैं। उसमें पूंजीगत आय का जिक्र बहुत कम है और हमें उस चीज़ों को पढ़ना भी नहीं है, हमें जो केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है। तो मैं भी आपको जो आंकड़े बताऊंगा वो राजस्व आय, राजस्व व्यय और ये कर राजस्व के ऊपर हम थोड़ा भी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो आपका राजस्व आय है वो राजस्व आय है आपका 66,093 करोड़ रुपये का। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो बजट पेश किया था 2017-18 में, उसमें जो छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व आय हुई या राजस्व प्राप्तियां हुई वो है आपका 66,093 करोड़ रुपए। 66,093 करोड़ रुपए की छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व प्राप्तियां हुई। इस 66,093 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों में से सबसे बड़ा हिस्सा कर राजस्व का है। जो चीज़ें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ये सारी चीज़ें आपके लोक वित्त अध्याय 5 टॉपिक के मुख्य बिंदु में शामिल है। मैं केवल वही आंकड़े आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आंकड़े हैं इकोनॉमिक सर्वे में, हर आंकड़े यदि हम याद करते चलेंगे तो वह माइंड से एक एक करके निकलते जाएगा। तो केवल बेसिक चीज़ें ही आपको बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व प्राप्ति हुई 66,093 करोड़ रुपए की, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा है कर राजस्व का, लगभग 67% हिस्सा कर राजस्व का है इस राजस्व प्राप्तियों में। ठीक, अब जैसे गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व जो छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त हुआ, इस गैर कर राजस्व में सबसे बड़ा है आपका केंद्रीय अनुदान, केंद्रीय केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, जितना भी जो भी आपका अमाउंट है गैर कर राजस्व के अंतर्गत, उस गैर कर राजस्व के अंतर्गत सबसे बड़ा अमाउंट जो हमें प्राप्त हुआ है वो केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान है। ठीक, अब राजस्व व्यय, राजस्व व्यय को देखिए, राजस्व व्यय भी आगे दो पार्ट में डिवाइड होता है, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय यानी छत्तीसगढ़ सरकार को मालूम है कि हम किन किन क्षेत्रों में पैसा खर्चा करने वाले हैं, किन किन जगहों पे हम पैसा खर्चा करने वाले हैं, ये काउंट होते हैं योजनागत व्यय के अंतर्गत। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जैसे मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और आपका विधवा पेंशन योजना, तो कितने कितने हितग्राही हमारे प्रदेश में है वो छत्तीसगढ़ सरकार को मालूम है, उसके हिसाब से वो अमाउंट बता देती है कि हम इतना अमाउंट इसी क्षेत्र में खर्चा करेंगे। वैसे ही ऊर्जा और परिवहन में, साक्षरता में, गरीबी उन्मूलन में, मतलब जिस खर्चे के बारे में सरकार को मालूम है कि उसमें निश्चित ही इतना पैसा हमें लगने ही वाला है, तो वो सारे काउंट होते हैं आपके योजनागत व्यय के अंतर्गत, योजनागत राजस्व व्यय के अंतर्गत। गैर योजनागत व्यय, जैसे ब्याज अदायगी, छत्तीसगढ़ सरकार ने जैसे मैंने आपको बताया पूंजीगत आय के अंतर्गत ऋण लेती है, तो उस ऋण के लिए ब्याज इस गैर योजनागत के अंतर्गत काउंट होता है। क्या होता है, ब्याज के रेट हर हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार ये निर्धारित नहीं कर सकती कि हमें इतना ही निश्चित अमाउंट का ब्याज देना है, तो ये काउंट होते हैं आपके ब्याज अदायगी गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत। सब्सिडी, जैसे आपको सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती है, किसानों को पंपों में सब्सिडी मिलती है, तो ये सब्सिडी काउंट होते हैं गैर योजनागत। देखिए, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, ये सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इन ऑप्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे PSC में तो फिलहाल प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन अदर स्टेट PSC में इसमें से क्या है, 2-3 ऑप्शन डाल देता है और एक ऑप्शन इधर से डाल देता है। उसमें पूछता है कि निम्न में से कौन सा योजनागत
गैर योजनागत राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं है, या निम्न में से कौन सा गैर राजस्व योजनागत व्यय के अंतर्गत शामिल है, तो ये सारे जो मैं है तो एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी गई है। जैसे सीधा वन लाइनर में पूछा था, निम्न में से ब्याज अदायगी किस टाइप का राजस्व है, तो उसमें योजनागत राजस्व व्यय, गैर योजनागत या राजस्व व्यय, राजस्व आय है, पूंजीगत व्यय है, ऐसे टाइप के अलग अलग ऑप्शन दे देता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो देखिए, गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत ब्याज अदायगी, सब्सिडी, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा तो वैसे सेंट्रल का विषय है, केंद्र सरकार या भारत सरकार जो हमारी रक्षा के लिए, सीमाओं पर रक्षा के लिए जो खर्चा करती है वो अकाउंट होता है आपके प्रतिरक्षा में। आपातकालीन सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं, जैसे अभी केरल में आपका बाढ़ आ गया, तो ये केरल में जो बाढ़ आया ये तो सरकार पहले से जानती नहीं थी, तो ये तो किसी प्रकार की सरकार योजना तो बना नहीं सकती, तो ये गैर योजनागत के अंतर्गत, अब उसे तो पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, भले उसके पास आय कम है लेकिन उसे अब पैसा लगाना है इस आपातकालीन कार्यों में। वेतन एवं भत्ते, हर साल नए नए पदों का सृजन होता है, नई नई भर्तियां होती है, नए कर्मचारी आते हैं, कुछ कर्मचारी रिटायर होते हैं, तो ये कभी निश्चित नहीं होता, तो उनके वेतन और भत्ते भी गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक वैसे ही पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आपका आता है निवेश, जैसे मैंने बताया मड़वा ताप विद्युत संयंत्र के ऊपर जो छत्तीसगढ़ सरकार ने निवेश किया, या किसी भी अन्य प्लांट का शेयर छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीद लिया, ये इसके अंतर्गत आया, भूमि अधिग्रहण वैसे ही। ठीक, तो जो राजस्व व्यय हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय वर्ष 2017-18 में 61,312 करोड़ का राजस्व व्यय अनुमानित है, 61,312 करोड़ का राजस्व व्यय अनुमानित है। ठीक, अब देखिए इसमें जो मैंने रेड कलर से लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, राजस्व आय 66,093 करोड़ रुपए, राजस्व व्यय 61,312 करोड़ रुपए। इस राजस्व आय में से सबसे बड़ा हिस्सा है आपका कर राजस्व का, लगभग 67%, अब बचा कितना 33%, तो 33% हिस्सा है आपका गैर कर राजस्व का। राजस्व आय दो हिस्से में है, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, 67% है आपका कर राजस्व, 33% है गैर कर राजस्व, सबसे बड़ा हिस्सा किसका है आपका कर राजस्व का, राजस्व प्राप्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा है आपका कर राजस्व का। ठीक, गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व में सरकार को अलग अलग क्षेत्रों से इनकम होती है, निवेश से प्राप्त लाभांश, ब्याज प्राप्ति या अनुदान, तो ये जो अलग अलग क्षेत्रों से जो गैर कर राजस्व में छत्तीसगढ़ सरकार को जो प्राप्त होती है उसमें से केंद्र द्वारा प्राप्त अनुदान सर्वाधिक है, गैर कर राजस्व में केंद्र द्वारा प्राप्त अनुदान सर्वाधिक है। अब इसके अलावा देखिए, राजस्व आय में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व आय में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि हुई। एक्चुअली में ये आंकड़ा थोड़ा डेसिमल में और भी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इजी करने के लिए बता रहा हूँ। वित्तीय वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ सरकार की राजस्व आय में या छत्तीसगढ़ सरकार की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि हुई। उसी प्रकार राजस्व व्यय में वित्तीय वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ सरकार की राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि हुई। कर राजस्व में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि हुई। तो देखिए इसे याद कैसे करेंगे, बजट से ये आय व्यय, आय और व्यय में हमको मेन फोकस किस में करना है, राजस्व आय में, राजस्व व्यय में। आंकड़ा याद कर लेंगे, 66,000 करोड़ रुपए राजस्व आय हुआ, 61,000 करोड़ रुपए राजस्व व्यय हुआ, इसमें 5% की वृद्धि, इसमें 6% की वृद्धि, कर राजस्व में 6% की वृद्धि, 5%, 6%, 6%, 66,000 करोड़, 61,000 करोड़, और ये है आपका 67% कर राजस्व का हिस्सा। ठीक है, तो आंकड़े थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने यहाँ बता दिए हैं, इसे हम थोड़ा बाद में देखते हैं। देखिए, जो आपका कर राजस्व का जो हिस्सा है कितना है, 66,093 करोड़ रुपये, जिसका 67% या सबसे बड़ा हिस्सा कर राजस्व का है, कर राजस्व लगभग इस अमाउंट का है, 44,288 करोड़। 66,093 करोड़ रुपए में से 44,288 करोड़ रुपए अकेले कर राजस्व का है। ठीक, अब देखिए,
जैसे मैंने आपको बताया मेन फोकस है आपका राजस्व प्राप्तियों पर और राजस्व व्यय पर। राजस्व प्राप्तियां, वित्तीय वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व प्राप्ति हुई 66,93.80 करोड़ रुपए, 66,93.80 करोड़ रुपए वही आंकड़े है जो यहाँ पर है। मैं आपको थोड़ा इसमें डिटेल में बता रहा हूँ। राजस्व व्यय, छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व व्यय हुआ 61,312.83 करोड़ रुपए, 61,312.83 करोड़ रुपए। तो राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय यानी छत्तीसगढ़ सरकार को इनकम हुई, अब उस आय को वो किन किन क्षेत्रों में व्यय करेगा, ये हुआ राजस्व व्यय। तो राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को माइनस करेंगे तो आपका प्राप्त होता है 4,780.97 करोड़ रुपए। आंकड़े बहुत सारे हैं लेकिन याद कीजिए सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, जो मुख्य बिंदु में जो आंकड़े शामिल है मैं केवल आपको वही बता रहा हूँ। राजस्व प्राप्तियाँ 66,93.80 करोड़ रुपए, राजस्व व्यय 61,312.83 करोड़ रुपए, राजस्व आधिक्य, राजस्व प्राप्तियों में से अगर राजस्व व्यय को माइनस करेंगे या घटाएंगे तो यदि जो नया डाटा मिला वो अगर प्लस में है तो उसे आधिक्य बोलेंगे, माइनस में आता है तो उसे घाटा बोलेंगे। यदि ये माइनस में होता है या ऋणात्मक होता तो हम उसे राजस्व घाटा बोलते हैं, लेकिन ये फिलहाल प्लस में है। तो छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4,780.97 करोड़ रुपए राजस्व आधिक्य अनुमानित है। ठीक, नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2017-18, वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 5.27% की वृद्धि अनुमानित है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ 5% की वृद्धि इसमें, 6% राजस्व व्यय में, और जबकि कर राजस्व में 6% की वृद्धि। वैसे ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 5.27% मतलब 5.27% की वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल कर राजस्व में 6.61% वृद्धि अनुमानित है, यानी इसमें कर राजस्व में। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 6.61% मीन्स 6.61% की वृद्धि अनुमानित है। नेक्स्ट, कुल राजस्व प्राप्तियों में से कर राजस्व का योगदान 67.01% है। कुल राजस्व प्राप्तियों में से, राजस्व आय बोले या राजस्व प्राप्तियां बोले, कुल राजस्व प्राप्तियों में से 67.01% जो इनकम है अकेले कर राजस्व का है, वही मैंने यहाँ लिखा है। कुल राजस्व प्राप्तियों में से कर राजस्व का योगदान 67.01% अनुमानित है। नेक्स्ट, गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का है। गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान यानी गैर कर राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का है। जैसे ये गैर कर राजस्व में हमें अलग अलग क्षेत्र से मिलते हैं, निवेश से प्राप्त लाभांश, ब्याज प्राप्ति अनुदान और केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान। तो जो अलग अलग क्षेत्रों से जो प्राप्त हुआ उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आपका जो है केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का है, इसे याद रखिएगा, ये डायरेक्ट वन लाइनर का प्रश्न बन सकता है। अब जैसे गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का है, तो गैर कर राजस्व कितना है आपका 21,805 करोड़ रुपए, 21,805 करोड़ रुपए आपका है गैर कर राजस्व, जिसमें से 14,101 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान है। 21,000 करोड़ के आसपास आपका गैर कर राजस्व है जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान है 14 करोड़ रुपए। ठीक, तो ये सारे आंकड़े याद कीजिएगा, ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। यदि आप कर राजस्व यानी 44,288 करोड़ रुपए और गैर कर राजस्व यानी 14,101 करोड़ रुपए को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाले आंकड़े 66,993, कर राजस्व प्लस गैर कर राजस्व इक्वल टू राजस्व प्राप्तियां। ठीक, अब देखिए ये वाला चीज़ थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के प्रश्न हमारे CGPSC पूछ चुका है, 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा अदर स्टेट के PSC भी इन प्रश्नों को पूछते हैं। जैसे मैं आपको बताया था जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है राजस्व आय, राजस्व व्यय, और डीप में गया तो कर राजस्व, और इस कर राजस्व से एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। जब प्रश्न आ चुके हैं तो इनसे और भी प्रश्न बन सकते हैं, तो सारे आंकड़े याद कीजिएगा। देखिए प्रश्न कैसा आया था, छत्तीसगढ़ की राजस्व प्राप्तियों में, सॉरी छत्तीसगढ़ से नहीं भारत से आया था, केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है, उसमें ये आपका निगम कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, ये सारों को उसने रैंडम ऑर्डर में जमा के रखा था, अलग अलग ऑर्डर में, और उसमें लिखा था कि निम्नलिखित विकल्पों को
घटते क्रम में जमाइए। ये चार ऑप्शन दे दिए थे उसने और इस चारों ऑप्शन को 2015 सीजीपीएससी 2015 के पेपर में इन चारों ऑप्शन को उचित क्रम में जमाइए करके दिया था। तो 2015 में जो स्थिति थी या 2015 में जो आंसर लिया गया है, अभी वर्ष 2017-18 में भी सेम यही स्थिति है। भारत सरकार को जो कुल कर राजस्व प्राप्त होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा ये जो राजस्व, ये देखिए ये जो अलग अलग टैक्स सरकार लगाती है, भारत सरकार ये जो अलग अलग टैक्स लगाती है विभिन्न राज्यों में, तो उसी से जो भारत सरकार को जो राजस्व प्राप्ति होती है तो उस राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा उसे प्राप्त होता है निगम कर से। निगम कर मीन्स कोऑपरेशन टैक्स, आयकर, इनकम टैक्स, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर, सर्विस टैक्स। ये जो अरेंजमेंट है ये 2015 की स्थिति में भी यही अरेंजमेंट था, अभी वर्ष 2017-18 की स्थिति में भी यही अरेंजमेंट है। भारत सरकार को प्राप्त होने वाली कर राजस्व में सबसे बड़ा हिस्सा है निगम कर का, निगम कर के बाद है आयकर का, उसके बाद है उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क। भारत से पूछ चुका है इसलिए छत्तीसगढ़ का भी आपको बता दे रहा हूँ। अभी वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार को जो राजस्व प्राप्ति हुई उस राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व में सबसे बड़ा हिस्सा है बिक्री कर का। सर्वाधिक कर राजस्व जो प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार को वो प्राप्त हुआ बिक्री कर से। बिक्री कर मीन्स सेल्स टैक्स, उसके बाद उत्पाद शुल्क सेकेंड नंबर पर मीन्स एक्साइज ड्यूटी, प्रवेश कर या बोलिए चुंगी कर, प्रवेश कर, उसके बाद बिजली शुल्क मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो ये जो छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 57% लगभग 57% राजस्व आय अकेले यानी 50% से ज़्यादा 57% के आसपास जो राजस्व आय हुई है या कर राजस्व जो प्राप्त हुआ है अकेले बिक्री कर से प्राप्त हुआ है। सेकंड नंबर पर उत्पाद शुल्क, तीसरे नंबर पर प्रवेश कर, उसके बाद है आपका बिजली शुल्क। देखिए ये जो स्थिति है ये स्थिति है आपका वित्तीय वर्ष 2017-18 का, लेकिन अभी के जो नए जो कर राजस्व से के जो मुख्य स्रोत है इसके आंकड़े पूरे चेंज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो बजट पेश हुआ है बजट 2018-19 इसमें जो है जीएसटी लागू हो चुका है। तो जीएसटी लागू होने के पश्चात जो आय के स्रोत है जो विभिन्न कर राजस्व से प्राप्त होने वाले आय के स्रोत है ये चेंज हो गए हैं। जैसे हम छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार को जैसे 17-18 में सबसे पहले क्या है बिक्री कर है, सेकंड नंबर पर उत्पाद शुल्क, तीसरे नंबर पर प्रवेश कर, चौथे नंबर पर बिजली शुल्क। लेकिन अभी की स्थिति में बजट 2018-19 के अनुसार सबसे पहले टॉप में है, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ सरकार को जो इनकम होती है कर राजस्व में वो है आपकी IGST मीन्स एकीकृत GST, सेकेंड नंबर पर है SGST मीन्स स्टेट GST, तीसरे नंबर पर है ये उत्पाद शुल्क जो यहाँ पे सेकंड नंबर पर है वो वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुसार तीसरे नंबर पर है उत्पाद शुल्क, चौथे नंबर पर है फिर आपका बिक्री कर। तो याद रखिएगा 2017-18 की स्थिति में आपका पहले पे है आपका बिक्री कर, दूसरे पे है उत्पाद शुल्क, तीसरे पे है प्रवेश कर, चौथे पे है बिजली शुल्क। वित्तीय वर्ष 2018-19 या बजट 2018-19 के अनुसार पहले नंबर पर है IGST, दूसरे नंबर पर है SGST, तीसरे नंबर पर उत्पाद शुल्क, चौथे नंबर पर बिक्री कर। तो ये सारे आंकड़े याद रखिएगा, सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग बताने के लिए ये सारे चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझाया है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त तो होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।